नमस्कार। असम पुलिस के लिए यह गौरवमय क्षण जब राष्ट्रपति निशान असम पुलिस को प्रदान किया जाएगा और इस खास मौके के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। ये नेहरू स्टेडियम असम पुलिस के जवान अपने अपनी जगह पर परेड की पोजीशन में और सचमुच देखा जाए तो असम पुलिस के लिए आज का दिन इतिहास के नए पन्ने का दिन है, एक गौरवमय दिन है जब असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान सहज नहीं है, यह सम्मान मिला है असम पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की वजह से। पिछले 25 वर्षों में अगर देखा जाए तो असम पुलिस ने जिस तरह से अपने राज्य के नागरिकों की हिफाजत की है, उग्रवाद से लंबे समय से जूझता रहा है असम, और विभिन्न उग्रवादी समूहों की हिंसा, निर्दोष लोगों की हत्याएं, लेकिन असम पुलिस ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार साहस, धैर्य और अपने पराक्रम से असम में शांति बहाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसके लिए असम पुलिस को काफी कुछ खोना भी पड़ा है, अपने कई बहादुर अधिकारियों को, जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी है, लेकिन असम पुलिस का जो 150 साल का लंबा इतिहास है, उस इतिहास में असम पुलिस के पराक्रम की गाथाएं जगह जगह दर्ज हैं। और यह परेड की पोजीशन में और ये परेड की पोजीशन में परेड कमांडर परेड की कमान लेते हुए, और सचमुच जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण अभी नेहरू स्टेडियम में है, एक उत्साह, एक जज्बा, और यह जज्बा है असम पुलिस के धैर्य का, अदम्य साहस का। आज असम पुलिस को उसकी वीरता के लिए, उसके साहस के लिए, उसके पराक्रम के लिए राष्ट्रपति निशान, प्रेसिडेंट्स कलर्ड प्रदान किया जाएगा, और यह प्रदान करेंगे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। इस मौके पर मुख्यमंत्री और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। ये मुख्य कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है और परेड कमांडर परेड की पोजीशन लेते हुए पूरा नेहरू स्टेडियम असम पुलिस के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा, और इसलिए पूरे स्टेडियम में उत्साह का माहौल, असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जवान यहां पर मौजूद हैं, और ये हैं डॉक्टर LR बिश्नोई। परेड की तैयारी में पोजीशन लेते हुए और सलामी देते हुए, परेड की सलामी और असम पुलिस का बैंड मौजूद है यहां पर। सचमुच असम पुलिस के लिए यह बहुत ही गौरवमय क्षण है और राष्ट्रपति निशान सहज नहीं मिलता है।
परेड अपने पोजीशन में, और इस तरह यही जवान है, यही असम पुलिस है जिसने हर विपरीत परिस्थिति में संघर्ष किया और कानून व्यवस्था बनाने के लिए लगातार कार्य किया, साहस दिखाया, और ये असम पुलिस का ध्वज, असम पुलिस की वीरता का प्रतीक, और इसी ध्वज के नीचे असम पुलिस की अपनी पराक्रम की कहानी दर्ज है। असम पुलिस के लिए इस गौरव में क्षण में कोकराझार आरक्षी अधीक्षक रूपे कार्यनिर्वाह कर हादसा पड़े आम सकते अभिवादन। एक उत्साह है, एक जज्बा है, और जज्बा हो भी क्यों ना, क्योंकि राष्ट्रपति निशान सहज नहीं मिलता है। असम देश का 10वां राज्य है जिसे राष्ट्रपति का निशान मिल रहा है, और यह बहुत ही सहज नहीं है। और ये असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत परेड की सलामी लेते हुए पहुंच चुके हैं, और इस वक्त वो परेड की सलामी ले रहे हैं। परेड कमांडर, पुलिस महान, असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे, और वह गौरवमय क्षण असम पुलिस का एक नया इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज होगा, और सचमुच असम पुलिस के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि उसे राष्ट्रपति निशान मिलने वाला है, और कुछ ही समय बाद देश के माननीय गृह मंत्री असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे। नेहरू स्टेडियम में असम पुलिस के सशस्त्र सिपाही, वीर सिपाही, जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक ओर उग्रवाद का खतरा, दूसरी ओर ड्रग्स जो बीमार बना रहा है समाज को, उसके खिलाफ भी असम पुलिस का निरंतर अभियान चल रहा है। दोहरे मोर्चे पर असम पुलिस के जवान अपनी हिम्मत का, अपनी जलवा का दाद दे रहे हैं। असम पुलिस के लिए यह गौरवमय क्षण गुवाहाटी का नेहरू स्टेडियम, और इसी स्टेडियम में अलंकरण परेड, और यहीं पर असम पुलिस को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति का निशान, प्रेसिडेंट कलर्ड, और असम पुलिस के लिए बहुत ही गौरव का क्षण। इस समय परेड की पोजीशन में कुछ ही क्षण पहले असम पुलिस के महानिदेशक ने परेड की सलामी ली, और परेड कमांडर ने उन्हें उनका अभिनंदन किया। असम पुलिस की बैंड और ये पूरा विहंगम नजारा नेहरू स्टेडियम का जो आपके पास पहुंच रहा है, और यह एक ऐतिहासिक क्षण है
असम पुलिस के लिए जब उसे राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जाएगा और इसके लिए इस खास मौके के लिए नेहरू स्टेडियम को खास तरीके से सजाया गया है और ये असम पुलिस का ध्वज जिस ध्वज पर असम पुलिस को गर्व है और यह भारत का तिरंगा और अलंकरण परेड बिल्कुल तैयार है और हमारे असम पुलिस के जवान पूरी तरह से तैयार है उस गौरवमय क्षण के लिए जब राष्ट्रपति निशान उन्हें प्रदान किया जाएगा और धन असम पुलिस के जवान और अधिकारी बिल्कुल परेड की मुद्रा में जनरल सलूट सलामी शत को अपनी वीरता का अपने अदम्य साहस का अपने शौर्य पराक्रम का सम्मान मिलेगा और अगर देखा जाए तो असम पुलिस के संघर्ष का के इतिहास का के पराक्रम का एक लंबा इतिहास देखा जा सकता है और उसी का परिणाम है एक उसी कुर्बानी उसी साहस उसी पराक्रम का प्रमाण है कि आज के नेहरू स्टेडियम में भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे और असम पुलिस में काफी उत्साह है और उनका हौसला अब आसमान की ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि उन्होंने जिस तरह से असम में शांति बहाल की जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में स्थिति का मुकाबला किया और अब जब शांति बहाल हुई है तो असम पुलिस ने ड्रग्स के खतरनाक धंधे पर हमला कर दिया है जो ड्रग्स युवकों को समाज को बीमार बना रही है और यह अलंकरण परेड जिसमें असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जाएगा और वह राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और असम पुलिस के जवान और अधिकारी पूरी तरह से पोजीशन ले ले हुए तैयार हैं उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जो उनके अदम्य साहस पराक्रम शौर्य का प्रमाण है और उसी वीरता का एक सम्मान राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर और उसी के लिए आज नेहरू स्टेडियम में अलंकरण परेड और इस महत्वपूर्ण क्षण के मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे और ये नेहरू स्टेडियम में असम पुलिस के जवान तैयार हैं उस ऐतिहासिक क्षण के लिए देखा जाए
तो असम पुलिस ने लगातार उग्रवादी हिंसा का मुकाबला किया है। गुटिये हिंसा एक तरफ, मैदानी इलाके में उग्रवादी हिंसा थी, तो दूसरी तरफ असम के पहाड़ भी हिंसा में जलने रहे थे। जनजातीय गुटों के बीच गुटिये हिंसा और देश के बाहर से भारत विरोधी ताकतों की साजिश, इन तमाम परिस्थितियों से असम पुलिस ने मुकाबला किया और आज असम में शांति है, लोग सामान्य जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। और यह अगर हुआ है तो इसमें असम पुलिस के साहस और शौर्य का बहुत हाथ है। और इस स्थिति के लिए असम पुलिस ने अपना बहुत कुछ खोया है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने जवानों की कुर्बानी दी है असम पुलिस ने। कई जवान, कई अधिकारी और उनके परिवार के लोग उग्रवादी हिंसा के शिकार हुए, उन्होंने कुर्बानी दी, वो शहीद हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो असम पुलिस ने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह किया है। सांप्रदायिक या उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आश्वास शुरू किया, तो डायनी हत्या के खिलाफ प्रोजेक्ट प्रहरी आरंभ किया। असम पुलिस का मानवीय चेहरा हमेशा नागरिकों के साथ देखा जाता रहा है, महसूस किया जाता रहा है। और असम पुलिस की उसी कुर्बानी का, असम पुलिस के उसी शौर्य का, असम पुलिस के उसी अदम्य साहस और पराक्रम का प्रमाण है राष्ट्रपति का निशान। और यह निशान, राष्ट्रपति का यह निशान आज नेहरू स्टेडियम में कुछ ही क्षण बाद भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी प्रदान करेंगे। और नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और मैदान में असम पुलिस के जवान और अधिकारी बिल्कुल परेड की मुद्रा में, और वे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और वह परेड का भी निरीक्षण करेंगे। इसके लिए मैदान में पूरी तैयारी हो चुकी है और बस इंतजार किया जा रहा है उस ऐतिहासिक क्षण का, जब भारत के माननीय गृह मंत्री असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे। और इसके लिए, इस ऐतिहासिक क्षण के लिए नेहरू स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और नेहरू स्टेडियम को विशेष तरीके से सजाया गया है। भारत का तिरंगा लहरा रहा है। यह तिरंगा हमेशा लहराते रहे ये अतिथि यहां पर जो लोग आए हैं वह भी उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब अलंकरण परेड के दौरान भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे। और वह ऐतिहासिक क्षण करीब आता हुआ देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहां पर पधारने ही वाले हैं।
और स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान करेंगे। हर कोई उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा है यहां नेहरू स्टेडियम में। सारे अतिथि आ गए हैं। अब भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नेहरू स्टेडियम में पधार चुके हैं। आज के अलंकरण परेड समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी और जिनके हाथों असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जाएगा, आदरणीय श्री अमित शाह जी उनके साथ हैं, असम के मुख्यमंत्री जनरल सलूट सलामी शस्त्र। श्रीमान चलिए परेड का निरीक्षण कर। এটা পেরেড পরিদর্শনের বাবে খোলা জিপসি রুথি মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া ক্রমান্বয়ে আগবাড়িছে, তেখেতক সঙ্গ দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত মহোদয় আর পেরেড কমান্ডার প্রতীক বিজয় কুমার থোবে। परेड निरीक्षण में माननीय गृह मंत्री जी के साथ हैं असम पुलिस के महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर श्री प्रतीक दुबे जी। अमर सौभाग्य जे आज माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया अमर मजत उपस्थित आसे। सम्मानित अतिथि सकल और उपस्थित राइजर माजेरे जिप्सीखन आगबाढ़िसे, हात सापरिरे तेखेतक अभिवादन जानाबोले आपोनालोकक अनुरोध जानाइछो। आज का दिन असम राज्य के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। असम पुलिस के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। असम पुलिस द्वारा प्रदर्शित सेवा की भावना, समर्पण, बहादुरी, वीरता, अदम्य साहस एवं शहादत की सर्वोच्च मान्यता का प्रतीक है यह निशान, द प्रेसिडेंट्स कलर्स। आज दिन तो अहम आरक्षीर बाबे अति गौरवर दिन, লগতে অসমবাসীৰ বাবেও এটি ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ আমি সকলো আগবাঢ়িছোঁ। নিষ্ঠাৰে কাম কৰি থকা বাবে অসম আৰক্ষী পৰম সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচানৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হৈছে। আমি সকলো হ'ম এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী। यह बहुत ही सम्मान और गर्व का क्षण है कि असम पुलिस आज देश के 9 राज्य पुलिस बलों के विशेष क्लब में शामिल हो गई है, जिन्हें सर्वोच्च प्रेसिडेंट्स कलर्स यानी निशान से सम्मानित किया जाएगा।
অসমৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ বাবে আজিৰ দিনটো ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ বাবে পৰম সন্মানীয় প্ৰেছিডেণ্ট স্কালাৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান আজি আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰা লাভ কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তে অসম আৰক্ষীলৈ পৰম সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান প্ৰদান কৰা হ'ব। শপত গ্ৰহণৰ পাছৰে পৰা তেখেতে দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে অসমৰ সকলো দিশতে চকুত লগাকৈ ৰূপান্তৰৰ প্ৰয়াস কৰি আছে। অসম আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ভিতৰত যিধৰণে সমাজখনক সুশৃংখলিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈছে সেয়া সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বই লাগিব। ৰাইজৰ পৰা দূৰ হৈ নহয়, ৰাইজক বিশ্বাসত লৈ আগবাঢ়িছে অসম আৰক্ষী। ৰাইজেও প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰক্ষীকো সহযোগ কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান প্ৰদানৰ বাবে এখন বিশেষ উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয়। তেওঁলোকে বাহিনীটোৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই নিৰ্ণয় কৰে যে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় সকলো দক্ষতা আছে নে নাই। সকলো দিশ বিবেচনা কৰাৰ পাছত প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে। সেই প্ৰতিবেদন চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে, তাৰ পাছত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আৰু সদৌশেষত ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আজি আমাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এটি গৌৰৱৰ দিন। পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰি ক্ৰমান্বয়ে মঞ্চৰ ফালে উভতি আহিছে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া। পেৰেড কে নিৰীক্ষণ কে উপৰান্ত মুখ্য অতিথি মাননীয় শ্ৰী অমিত শ্বাহ মহোদয় মঞ্চ কি ওৰ পধাৰ ৰহে হে। बड़े ही सम्मान के साथ हम मंच पर माननीय श्री अमित शाह जी का पुनः स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति निशान अहम और केतियाव लाभ करा नासिल और अनागत समय तो लाभ नकरिबो, मात्र एबार हे एने सम्मान प्रदर्शन करा हय। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अलंकरण परेड समारोह शुरू करने की अनुमति प्राप्त की गई। परेड कमांडर प्रतीक विजय कुमार थोबे निजर स्थान ले आग बढ़ी से क्यों दुई मुरत थका प्लाटून केटाक बर्गीय आकारत स्थान लबले कमांड दिबो। खाली वर्ग यानी हॉलो स्क्वायर की आकृति में खड़े हो जाएगी।
ड्रमर्स पायल बना रहे हैं, पायल के ऊपर राष्ट्रपति का निशान सजाया जाएगा। ये प्रथा जंग के मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकों द्वारा रणभूमि में युद्ध ध्वज के साथ संचालित की जाती थी। आज यही प्रथा निशान ध्वज के साथ समारोह के रूप में मनाई जा रही है। ड्रमर हकले पायल बनवा आमी देखिबले पाइसु। पायलर उपरत राष्ट्रपतिर निशान सजा हबो। युद्ध क्षेत्र विजय प्राप्तिर बाबे सैनिक हकले एनेदरे पायल बनाय युद्ध ध्वजा सजाय एक प्रथा चलि आहिसे। आजिर एक ऐतिहासिक क्षणतो परम सम्मानीय राष्ट्रपतिर निशान सजा हबो पायलर उपरत। ड्रामार हकल एतिया निजर स्थानलै उभति गैछे। यार पासते पेरेड कमांडरे निशान स्थानर बाबे कमांड दिबो। निशान को पाइल ऑफ ड्रम्स के ऊपर सजाया जाएगा। अति सम्मानीय पुरस्कार निशान बड़े ही आदर सम्मान शुभ भावनाओं के साथ लाया जा रहा है। अति आदरेरे अति आंतरिकतारे एनसीओ हबिलदार बीरेन सिंह कुमार बरुवाए राष्ट्रपतिर निशान लै आगुआई आहिसे। एतिया परेड सेकेंड इन कमांड सुशांत सिंह और परेड एडजुटेंट कर्णव पाटवारिये पाइलर ऊपर सुंदरको सजा परम सम्मानीय राष्ट्रपतिर निशान।
परेड 2IC श्री सुशांत सिंह एवं परेड एडजुटेंट श्री कौरव पातवारी पाइल के ऊपर असम पुलिस को माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रपति के निशान को सजा रहे हैं। परम सम्मानीय राष्ट्रपति निशान विषय जानसो ये निशान आसमर मानचित्र मानचित्र 37 बिंदु ये बिंदु कईटेर जिला कईन प्रतिनिधित्व करिसे लगत आसे अहम आरक्षीर लोगो इनसिग्निया इस भव्य समारोह की शोभा एवं महत्व बढ़ाने के लिए तीन क्षेत्राधिकार आज के निशान को आशीर्वाद देने हेतु परेड ग्राउंड में पधार चुके हैं। श्री श्री गौरमूर क्षेत्र क्षेत्राधिकार श्री हरिदेव गोस्वामी श्री श्री बरदुआ क्षेत्र क्षेत्राधिकार श्री देवानंद गोस्वामी श्री श्री दीनजय क्षेत्र क्षेत्राधिकार श्री मुकुंद चंद्र गोस्वामी आगे आहिसे प्रथमे श्री श्री गौरमूर क्षेत्र क्षेत्राधिकार श्री हरिदेव गोस्वामी श्लोक और शांति जल छटियाब गतियो वा यस्मरेत् पुंडरीकक्षं स वैज्ज अभ्यंतरं सुसी ॐ धेयं सदा परिभवग्नम् अविष्ठदुहं तिष्ठास्पद शिव विरिंची नुतं शरण्यं भिद्दर्तिहं प्रणतरबालं भवद्विपुतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् ॐ शांति 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 एबार घोषा पाठ करिबो श्री श्री बरदुआ सत्र सत्राधिकार श्री देवानंद गोस्वामी आमी जत जीव तुमार पालन हरि 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 तुमि के पालिया पूरा भूया अंतर जामी आवे दायित्व बोलु आमी हरि 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 तेबे के कृपाल कृत कृत बोलु राम तेबे के कृपाल कृत कृत एबार आशीर्वाद दिब श्री श्री दीनजय सत्र सत्राधिकार श्री मुकुंद चंद्र गोस्वामी पुरुषत शरण बंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामहत्तम पुंज दासु वसन रविकर निकर नमो नमो नारायण प्रसन्न होयुक हरि करियुक मायाक निदान आपुनार महिमा आपुनि बेकत करि जियक करा परित्राम उत्तम होइसे आदि पुण्यभूमि भारतवर्षर महामान्य गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाय অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সাক্ষাতত স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিশান অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিবলৈ আজি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছেহি আমি এই ধৰণতে এই দুয়োজনা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী জনপ্ৰিয় প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে যাতে এখন সমৃদ্ধিশালী ভাৰত তথা অসম গঢ়িবলৈ ভগৱন্ত পুৰুষে শক্তি সামৰ্থ দিয়ক অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰমুখে সমস্ত কৰ্মচাৰীয়ে আজি এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিশান গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই বৰ্ণিল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি ভগৱন্ত চৰণলৈ প্ৰণিপাত জনাইছে ভগৱন্ত পুৰুষ সুপ্ৰসন্ন হৈ তেওঁলোকৰ সৰ্বাভীষ্ট সিদ্ধি কৰিবলৈ বুলি আমি ভগৱন্ত চৰণলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ যিসকল শ্বহীদ যিসকল নিজৰ কৰ্তব্যৰ খাতিৰত দেশৰ হকে শ্বহীদ হৈ গ'ল সেই পুণ্যাত্মা শ্বহীদসকলৰ আত্মাই সদগতি পাবলৈ বুলি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হৈছে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি নিশান পাই গৌৰৱান্বিত হোৱা অসম পুলিচ অসম আৰক্ষী জনহিত জনসেৱাৰ অংগীকাৰেৰে গঠন হৈছিল তেওঁলোকে যাতে দুষ্টক দমন শিষ্টক পালন কৰি নিজৰ সুনাম সুযোগ বৃদ্ধি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটি প্ৰশংসনীয় আৰক্ষীৰ বিভাগ হ'বলৈ বুলি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি এই আশীষ প্ৰদান কৰা হ'ল শুভম অষ্টু विशेष खट्रा वो विशेष संस्थागत केंद्र है जो वैष्णव धर्म के परंपरा का चर्चा एवं विस्तार करते हैं द खट्राधिकार्स हैव इनवोक्ड ऑल ऑस्पिशियसनेस एंड शावर्ड ब्लेसिंग्स ऑन ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द असम पुलिस हु हैव परफॉर्म्ड द सेल्फलेस सर्विस ऑफ स्टैंडिंग बाय अस एज गार्जियंस ऑफ सोसाइटी विद अटमोस्ट डेडिकेशन मांगलिक पर्वर पासत परम सम्माननीय खट्राधिकार सकल निजर स्थानलै उभति आहिसे यार पासते ध्वजाबाहक 2020-21 बर्षर अहोम आरुखी
ধ্বজাবাহক অসম আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া উপ অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতিম দুৱৰাক এতিয়া ধ্বজা ধাৰণৰ বাবে আগুৱাই আহিবলৈ পেৰেড কমাণ্ডাৰে আহ্বান জনাইছে আৰু তেখেত আগুৱাই আহিছে। अब परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निशान प्रदान विधि के लिए आमंत्रित करेंगे। अब भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा जी एवं असम पुलिस के महानिदेशक श्री भास्कर ज्योति महंत जी निशान प्रदान विधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में वर्दीधारी अधिकारी राष्ट्रपति के निशान को सम्मान देने के लिए सल्यूट करेंगे। बाकी सभी अधिकारी व दर्शकगण से अनुरोध करूंगी कि वे तब खड़े होकर निशान को सम्मान दें। পেরেড 2IC সুশান সিংয়ে রাষ্ট্রপতির নিশান আগুয়াই দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানলৈ আর তেওঁ আগবঢ়াই দিছে মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ালৈ। আর আব ও গৌরবময় ঐতিহাসিক ক্ষণ মাননীয় মুখ্য অতিথি অমিত শাহ জি কে কর কমলো দ্বারা নিশান প্রদান কিয়া যা রহা হ্যায়। জোরদার তালিয়ো সে হাম ইস অবিস্মরণীয় পল কো সম্মান করেঙ্গে। ध्वजवाहक श्री पार्थ प्रतिम द्वारा आत्मविश्वास एवं जिम्मेदारी के साथ निशान को स्वीकार कर रहे हैं। ध्वजवाहक पार्थ प्रतिम द्वाराय आत्मविश्वास और दायबद्धतारे परम सम्मानीय राष्ट्रपतिर निशान ग्रहण करिले। एई निशाने सकलो प्रत्याहवानक नेउसी आगुवाई जाबलै सकलोके साहस मनोबल दिब, प्रत्येकरे दायबद्धताक सुवराई दि थाकिब। निशान आने वाली चुनौतियों का सामना करने का शक्ति प्रदान करता है, जिम्मेदारी से अवगत कराता है और प्रोत्साहित करता है। असम पुलिस की गौरवशाली परंपरा एवं लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव को सत्यापित करते हुए आज ये निशान धारण करके असम पुलिस विभाग के सभी कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। পেরেডৰ বাবে সকলো সাজু হ'ব। এতিয়া বৰ্গীয় আকাৰত অৱস্থান কৰা দুয়োটা প্লাটুন এতিয়া নিজ স্থানলৈ উভতি যাব। এতিয়াও ড্ৰামাৰ সকলো ড্ৰাম সৌ মাজতে ৰখা আছে।
Vajju platoon hai! Aagya bada ga! Peeche! Mut! Red! Sach! Madhya! Sach! আজিৰ এই দিনটো অসম আৰক্ষী তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। অসম আৰক্ষীৰ শৌৰ্যৰ কথা ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে লিখা ৰ'ব। আমি আনন্দিত যে আমি সকলোৱে এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান লাভ কৰাটো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। দেশৰ সামৰিক বাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰা এয়া হৈছে সৰ্বোচ্চ সন্মান। প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান এতিয়ালৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, তামিলনাডু, ত্ৰিপুৰা, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাই লাভ কৰিছে। सम्मान देंगे सलामी शस रेड बजा
Isantale! কুচকাওজত ভাগ লবলৈ এতিয়া নিশান তলিও নিজৰ স্থান লব। আহক আমি হাত চাপৰিৰে কুচকাওজত ভাগ লবলৈ ওলোৱা প্লাটুনবোৰক আদৰো উৎসাহ যোগাওঁ, যিসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে দহটা প্লাটুনক সাজু কৰাইছে, তেওঁলোককো জনাইছো আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা। गुजरेंगे नंबर एक प्लाटून आगे रेड बगल चेस रेड तीनों तीन के कॉलम में दैन चले गए दैन मट পেরেড কমান্ডার প্রদীপ বিজয় কুমার থোবে আর সেকেন্ড ইন কমান্ড সুশান্ত সিং এতিয়া নিজের স্থান লবলে আগুয়াই গৈছে। কন্টেক পাছতে কুচকাওয়াজ আরম্ভ হব। The President's Colors Award is a tall testimony to Assam Police's commitment towards performance, professionalism, integrity, and above all, service to humanity. We are privileged to witness history in the making as part of the momentous occasion of Assam Police being conferred with the most prestigious President's Colors Award. কুচকাওয়াজত ভাগ লওয়া প্রতিটো প্লাটুনৰ সদস্যসকলৰ খোজত আছে দৃঢ়তা, তেওঁলোকৰ মনোবল যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত আছে আত্মবিশ্বাস। বাহুত আছে প্ৰবল শক্তি যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰতিহত কৰিবলৈ।
পেরেড কমান্ডার ভারতীয় আরক্ষী সেবার বিষয় প্রতীক বিজয় কুমার থোবে প্লাটুন সমূহক আগুয়াই লৈ আহিছে। মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই মঞ্চর সম্মুখে এটা পার হয়েছে পেরেড কমান্ডার ভারতীয় আরক্ষী সেবার বিষয়া প্রতীক বিজয় কুমার থোবে, সেকেন্ড ইন কমান্ড ভারতীয় আরক্ষী সেবার বিষয়া সুশান্ত সিং, বীরাঙ্গনা প্লাটুন এক প্লাটুন কমান্ডার উপ অধীক্ষক ডক্টর স্মৃতি রেখা ফুকন মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই মঞ্চর সম্মুখে পার হয়েছে। বীরাঙ্গনা প্লাটুন দুই প্লাটুন কমান্ডার উপ অধীক্ষক কাকলি পাটগিরি মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই আগবাড়িছে। প্লাটুন নম্বর তিন নেতৃত্ব দিছে প্লাটুন কমান্ডার উপ অধীক্ষক অঙ্কুরজ্যোতি বৰা। প্লাটুন নম্বর চারি নেতৃত্ব প্রদান করেছে প্লাটুন কমান্ডার উপ অধীক্ষক হীরেন কুমার। মাননীয় মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই মঞ্চর সম্মুখে পার হয়েছে। প্লাটুন নম্বর পাঁচ নেতৃত্ব প্রদান করেছে প্লাটুন কমান্ডার উপ পরিদর্শক বাহারুল ইসলাম। মাননীয় মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাইছে। মঞ্চর সম্মুখে পার হব নিশান টলি প্লাটুন কমান্ডার উপ পরিদর্শক কুলদীপ গোহাই। প্লাটুন নম্বর ছয় প্লাটুন কমান্ডার উপ পরিদর্শক বৰষা দেউৰী। প্লাটুন নম্বর সাত নেতৃত্ব প্রদান করেছে উপ পরিদর্শক নবজিৎ কুমার। মাননীয় মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই আগবাড়িছে। প্লাটুন নম্বর আট নেতৃত্ব প্রদান করেছে মৃত্যুঞ্জয় সিংহাই উপ পরিদর্শক। প্লাটুন নম্বর ন প্লাটুন কমান্ডার উপ পরিদর্শক নিশিরঞ্জন দে। মাননীয় মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাই আগবাড়িছে। প্লাটুন নম্বর দশ প্লাটুন কমান্ডার উপ পরিদর্শক করণ বৰদলৈ। পেরেড এডজুটেন্ট আরক্ষীর উপ অধীক্ষক কর্ণ পাটোয়ারী। মাননীয় মুখ্য অতিথি মহোদয়ক অভিবাদন জানাই মঞ্চ সম্মুখে পার হয়েছে।
हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है खाकी, हमारे वतन के वीरों का सम्मान है खाकी, हमारा मान है वर्दी, हमारा अभिमान है खाकी, खुश नसीब है वो जो वतन पर मर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। आज का अवसर वर्षों के असम पुलिस द्वारा प्रदर्शित सेवा की भावना, समर्पण, बहादुरी, वीरता, अदम्य साहस एवं शहादत की सर्वोच्च मान्यता का प्रतीक है। आज के इस भव्य समारोह में तीन पुस्तकों का भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा विमोचन किया जाएगा। पहली पुस्तक प्राउड लेगेसी टेल्स ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ असम पुलिस। वी आर इमेंसली प्राउड ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ द मदरलैंड। द असम पुलिस विल रिमेन फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर देयर बाउंडलेस करेज एंड सेल्फलेस सैक्रिफाइस। इट विल बी आवर एंडेवर to keep them alive both in words and deeds which would serve as an inspiration to the future generations. Dusri pustak Durjay Sipahi. Yah pustak Assam Police Mahanideshak Shri Bhaskar Jyoti Mohanta ji dwara likhi gayi hai. Yah pustak un saahsi sipahiyon ko samarpit hai jo ugrawadiyon ke se joojhte hue buri tarah se ghayal hue hain. Iske bawajood ve bahut hi nishtha aur samarpit bhav se कर्तव्य निभा रहे हैं। दुर्जय सिपाही अ कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज इज अ ट्रिब्यूट टू द मेंबर्स ऑफ द असम पुलिस हु हैड सस्टेन्ड ग्रेवियस बॉडीली हार्म इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी बट कंटिन्यू टू सर्व द फोर्स विद रीडाउटेबल करेज एंड फोर्टिट्यूड। तीसरी पुस्तक असम पुलिस फोर्स ऑफ स्टील विद अ ह्यूमन टच क्रॉनिकल्स आवर अचीवमेंट्स ओवर द पास्ट ईयर अगेंस्ट द माइलस्टोन्स वी हेल्ड आवरसेल्व्स टू Tougher than a thunderbolt and softer than a flower. আৰক্ষীৰ জীৱন সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম। এজন সাধাৰণ মানুহক এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আৰক্ষী বিভাগত নিযুক্তি প্ৰদানৰ পাছত নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমত বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলা হয় এজন আৰক্ষী হিচাপে, য'ত চলন ফুৰণ, খাৱন শোৱন, পিন্ধন উৰণ সকলোতে আহি পৰে ব্যতিক্ৰম। এক অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ মাজত নিয়মানুবৰ্তিতা বজাই ৰাখি অতিবাহিত হয় শৃংখলিত জীৱন।
ব্রাস ব্যান্ড প্লেটুন নেতৃত্বত এবিআই সুবেদার মেজর রিটায়ার্ড অজিত গগৈ তেখেতে মাননীয় মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানাইছে পাইপ ব্যান্ডর ব্যান্ড মেজর হাবিলদার বীরসন ইংলিং আরক্ষীত খোজ কঢ়াৰো আছে শৃঙ্খলাবদ্ধতা প্ৰথমে ধীৰ গতিত খোজকাঢ়ি সেই শৃংখলাবদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত এইবাৰ খৰ গতিত খোজ কঢ়াৰ শৃংখলাবদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে ইয়াতে প্ৰকাশ পায় কুচকাৱজৰ আকৰ্ষণীয়তা কৰ্মী আমি আৰক্ষী বাহিনীৰ ধৰণী আমি দেশ মাতৃৰ কৰ্ম আমাৰ দেশ সেৱা ধৰ্ম আমাৰ জনসেৱা কৰ্মৰ মাজেৰে কৰি যাম দেশ সেৱা ধৰ্মৰ মাজেৰে কৰি যাম জনসেৱা चक्रम में मध्य से चल
এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ মাননীয় সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি পৰম সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক স্মৃতিচিহ্ন আগবঢ়াব। এটি ফুলাম এখন ফুলাম গামোচা লগতে গড়ৰ এটি প্ৰতীকপট এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত মহোদয়। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम पुलिस के महानिदेशक श्री भास्कर ज्योति महंतो जी को भाषण प्रदान करने के लिए अनुरोध करती हूँ। आज इस अलंकरण परेड के मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री मान्य श्री अमित शाह जी कर्मदक्ष स्वप्नद्रष्टा माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकार माननीय मंत्री महोदय माननीय मुख्य सचिव प्रमुख सरकार विभिन्न वर्गर विषया Air Officer Commanding in Chief, Eastern Air Command Shillong, Director Generals of Police of Border Security Force and Indo-Tibetan Border Police, Director Generals of Police of Manipur, Nagaland, and representatives of other Northeastern states, senior officers from Indian Army and Air Force, Manonio Abohar Prapta Arokhi Khansalak Pradhan Pramukhe, বিভিন্ন বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মনিষ্ঠ সংবাদসেৱীসকল আজিৰ এই শুভক্ষণত উপস্থিত থকা অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ পৰম পূজ্যপাদ সত্ৰাধিকাৰসকল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সন্মানীয় নাগৰিকবৃন্দ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মীবৃন্দ আৰু এই অলংকৰণ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা নিষ্ঠাবান মোৰ মৰমৰ পেৰেড কমাণ্ডাৰ টু আই চি আৰু বীৰাংগনাকে ধৰি ছাব ইনস্পেক্টৰ কেডেটসকল ভাৰতীয়ৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান লাভ কৰাটো আজি ঐতিহাসিক দিনটো অসমৰ ইতিহাসত চিৰদিনৰ বাবে সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। আসাম পুলিচ इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से राष्ट्रपति निशान प्राप्त करके गर्वित है। इसलिए असम पुलिस ही नहीं बल्कि असम की जनता भी गर्व और आनंद की अनुभूति कर रही है। इस अवसर पर मैं माननीय गृहमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी अपना बहुमूल्य समय दिया और आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। साथ ही आज के इस शुभ अवसर पर मैं असम पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं समस्त पुलिस कर्मियों का अभिनंदन करता हूँ जिनकी कर्मनिष्ठा एवं कठिन परिश्रम का परिणाम स्वरूप असम पुलिस को आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही असम पुलिस के पूर्ववर्ती अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को उनके बहुमूल्य योगदानों का भी मैं आदरपूर्वक
স্মরণ করতে হো। আজির এই পবিত্র ক্ষণ কর্তব্যর বেদীত নিজের জীবন আহুতি দি দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তি শৃঙ্খলা, স্বাভিমান আর গৌরবর ধ্বজা উড়াই রখা বীর শহীদ সকললৈ মই প্রণিপাত জানাইছো। ইন বীর শহীদও কো প্রতি সম্মান প্রকট করতে কে লিয়ে এক পুস্তক প্রাউড লিগেসি কা বিমোচন হোনে যা রহা হ্যা। ইসকে আলাওয়া অসমিয়া ভাষা মে লিখিত